कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, मैं बोल रहा हूँ कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं, कुछ नहीं, कुछ नहीं होगा। कपिल प्लीज प्लीज धीरे चलाओ। अरे अभी तो रफ्तार पकड़ी है, अब कैसे ब्रेक मारूंगा? अगर मैं गिर गई ना कपिल तो देख लेना। अब मैं क्या देखूंगा, अगर तुम गिर गई ना तो पूरा का पूरा गांव देखेगा। मैडम क्या मैडम मैडम करो, मैंने कहा था ना तुम्हें धीरे चलाओ। अरे धीरे ही तो चल रहा था, ये धीरे था। You know what? गलती ना मेरी है जो मैं तुम्हारे साथ में यहाँ सुबह सुबह घूमने चली आई। अच्छा तो किसी और के साथ घूमने का इरादा है क्या? हाँ, कोई प्रॉब्लम है? मुझे क्या प्रॉब्लम होगी? प्रॉब्लम तो उसकी होगी जिसके साथ तुम घूमने जा रहे हो। कपिल दे, छोड़ूंगी नहीं मैं तुम्हें, कपिल छोड़ूंगी नहीं मैं तुम्हें, रुको। पापा, पापा, देखिए हनुमान सिंह ने क्या हाल बना दिया आपका। पापा, जो आदमी सवेरे सवेरे गोवा के बीच में वॉक किया करता था, आज लोटा लेकर खेतों के बीच दौड़ रहा है। पापा, पापा, मुझसे ये नहीं देखा जाता, उस हनुमान सिंह ने एक सिपाही जिसके हाथ में कभी बंदूक हुआ करती थी आज लोटा थमा दिया। थापा, ये सब मैं जो भी कर रहा हूँ अपनी बेटी लवीना के लिए कर रहा हूँ। नहीं पापा, ये सब आपसे वो ट्रैफिक हवलदार करवा रहा है और उसका बाप जो आपका पुराना दुश्मन है जिसकी वजह से आपकी वर्दी उतर गई थी और आज ये वर्दी। थापा, तुम कन्फर्म्स है ये वही स्मगलर्स है जो 15 साल पहले हमें धोखा दिया था? यस पापा, एक सेकेंड, ये देखिए फोटो पापा, एकदम सेम टू सेम है। देखिए गौर से देखिए पापा, दिमाग पे थोड़ा सा जोर डालिए पापा, जोर डालिए। जोर डाल रहा हूँ पापा। ऐसे नहीं होगा, और जोर डालिए, और जोर डालिए। मैं भी आया। पापा आप जाइए, मैं आपकी हिफाजत के लिए यहाँ खड़ा हूँ, जाइए पापा जाइए। पापा, पापा याद आ गया? पर मुझे याद आ गया, तुम सुमित्रा के पति गंगू हो। गंगू? अरे शेरू चाचा, मैं सुमित्रा का पति गंगू नहीं, मारिया का पति डॉल्फी डिमेलोज हूँ। पापा, पापा, ये जरूर उनका जासूस है। पापा, डॉल्फी डिमेलोज की जासूसी आज तक खुद डॉल्फी डिमेलोज नहीं कर सका, क्योंकि डॉल्फी डिमेलोज जो दिखता है वो है नहीं, और जो है नहीं वो कैसे दिख सकता है? क्या ये हनुमान सिंह वो स्मगलर्स है या नहीं ये मैं नहीं जानता, लेकिन हनुमान सिंह है क्या ये मैं आज पता लगा के रहूंगा। 297, 298, 299, 300, 1, 2। जीजा जी, 300 के आगे हमें गिनती नहीं आती। तो फिर से शुरू करो। हाँ, 1, 2, 3, 4, 5। देखा आपने, 5 दंड में इनकी क्या हालत हो गई, और एक आप है जो 200-300 दंड सोते उठते यूं ही मार देते हैं। थापा, हम तो सोल्जर्स हैं, हमारा इससे क्या मुकाबला। अरे समधी जी, आइए आइए, खेतों में खाद दे आए। खाद? होस दे आए। मिस्टर हनुमान सिंह दिनकर, आप ये क्या कर रहे हैं? सुदन बुद्धन एक्सप्लेनेशन। जीजा जी, जो मार रहे हैं उसे दंड कहते हैं, जो मार ना सके दंड उसे झंड कहते हैं। ये दंड है? एक सेकंड पापा, इसे दंड कहते हैं। देख के तो ऐसा लग रहा था कि अंकल जमीन पे चवन्नी ठंडी ढूंढ रहे। अब सो। अच्छा तो तुम्हें पता है दंड कैसे मारते हैं? मुझे नहीं, पापा को पता है। 200-300 दंड तो पापा छीक की तरह मार देते।
हो गए 300 दंड, हो गए 500 दंड अंकल। थापा, आप तो महान हैं। अच्छा तो समझी जी, हो जाए मुकाबला। हो जाए मुकाबला, फिर देखते हैं दोनों समझियों में से दंड कौन ज्यादा मारता है। हाँ ठीक है ठीक है, पापा एक फौजी हैं, 100-200 दंड तो यूं ही मार देंगे, क्यों पापा? हाँ पा। हमारे जीजा इनसे ज्यादा दंड मार देंगे। ओ जीजा। हाँ दया, गुड्डू बेटा रोक लो अपने पापा को, वरना 500 से नीचे नहीं मानेंगे जी। ओके, लवीना मेरी बात सुनो, अपने डाडा को समझाओ वरना। डाडा आप आ गए, चलिए ना नाश्ता करते, भूख लगी है। हाँ, नाश्ता, चलिए नाश्ता कर लेते हैं, आपका फेवरेट बना है छोले पूरी। हाँ, चलिए। अरे बेटा पहले 200-400 दंड मार ले। हाँ? उसके बाद खाएंगे, क्यों समझी जी? मिस्टर हनुमान सिंह दिनकर, आपको हारने का इतना ही शौक है तो हम कुछ नहीं कर सकता। ये सब क्या हो रहा है? अरे चाची, तुम्हारे चाचा हमारे हनुमान मौसा को चैलेंज मारे हैं। नानी जी रोक लीजिए ना संधि जी को, वरना संधि जी हार जाएंगे तो हमको बिल्कुल नहीं जमेगा जी। गुड्स, हमारा आपका वैसे भी नहीं जमेगा। अच्छा, एक्सक्यूज मी, हमारा डॉल्फी हारेगा नहीं, हराएगा। क्यों डॉल्फी? यस मारिया। अपनी मम्मा को कंट्रोल करो प्लीज, क्या बोलती जा रही है वो? तुम अपनी मम्मा को कंट्रोल क्यों नहीं करते? मेरे पापा को नहीं जानते। तुम मेरे डैडा को नहीं जानते, उन्हें कुछ ज्यादा ही अंडर एस्टिमेट कर रहे हो। डैडा जस्ट गो फॉर इट। तो शर्त लगा लो मौसा। हाँ हाँ लगा लो शर्त, 500-500 रुपए की। नहीं 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 मामा, कोई जरूरत नहीं है। नहीं नहीं मिस्टर कपिल देव, जरूरत है, लगी 500 की शर्त। लेकिन अभी मेरे पास सिर्फ 10 रुपए हैं, तो लगी 10 रुपए की। तो लगी 10 रुपए की शर्त, जितने दंड समधी जी लगाएंगे उससे ज्यादा दंड हम लगाएंगे। ओ चैलेंजेस, चैलेंज वो भी बिना एस के। अरे क्या करता है? एक मिनट, 10-10 रुपए के लिए इतना झंझट करता है? ये लो 20 रुपया, इसका छुट्टा कराने का, 10-10 रुपया रखने का और नाश्ता करने चलने का। नहीं माई, आज डिमलोज की इज्जत का सवाल है। तो जवाब इससे क्यों मांगता है? ए जी आप ही रुक जाइए ना जी। हनुमान सिंह नाम है हमारा, हम न रुकते हैं न झुकते हैं। सुद्धन बुद्धन 10 रुपए निकालो। जी जी जाजी। पापा 10 रुपीज। ये रहे पापा। अरे जीजा जी इसको तो ऐसे ही पटक देंगे। मेरी बात सुनो, अभी भी वक्त है, अपने पापा को संभालो। तुम अपने पापा को क्यों नहीं संभाल सकते? संभाल जी रोक लीजिए ना संधि जी को जी। लास्ट डे लास्ट चांस है, रोक लीजिए इन्हें वरना लास्ट शो हो जाएगा। आप अपने एजी को दूध पिलाइए। तो फिर आ जाओ मैदान में मौसा, धो डालो। डैडा आप भी धो डालो। नहीं डैडा। लवू अगर डैडा खुद ही धुल गए तो? माई आप वैम्पायर्स बनो। क्या बोला? सॉरी सॉरी, आप एम्पायर्स बनो और देखो कोई भी चीटिंग ना कर सके। ओके, हम सिटी बजाएगा। समधी जी आप अवर मेहमान हैं। फर्स्ट आप दंड मारना शुरू करेंगे। हाउ मेनी दंड्स आप मारेंगे उससे ज्यादा हम मारेंगे। ओके ओके। यस पापा। गुड लक डॉल्फी। गुड लक डैडा।
अरे बेबी क्या सॉलिड वॉलिड, मेरे पापा को देखना 300 डंड तो यू 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 उठते ही कर देते हैं। गुड्डू सुबह वाले 300 डंड जिया जी पहले ही मार चुके हैं। अभी अभी तो मारे हैं, अब और कैसे मारेंगे। लवीना अपने पापा को बोलो रुक जाए। पापा बिल्कुल मत रुकिए, गो फॉर इट। ऊपर तो नहीं चल दिए पापा, कम से कम 300 तो पूरे करके जाते। पापा मुझे डांस करो। यस पापा, मिनट। पापा आराम से। कुछ पानी लाओ प्लीज। पानी नहीं मिस्टर हनुमान, अब आप 300 डंड लगाइए वरना 10 रुपए इधर लाइए। हाँ मौसा शुरू हो जाओ, दिखा दो गांव की इज्जत का सवाल है। हाँ दिखाते हैं, अभी दिखाते हैं। हम कोई डरते थोड़ी हैं, बहुत बहादुर हैं, गांव के मुखिया हैं, हम शक कर देंगे। अभी ज्यादा नहीं बोलने का, शो शुरू करने का। करते हैं ना, डरते थोड़ी किसी से। बोलो बजरंग बली की जय। जय बजरंग बली। अब देखो हमारी हवा चली। पापा क्या हुआ? गुड्डू हमारे हैंड की नस चल गई है। चल गई है। पापा देखिए सिर्फ 5 ही हुए हैं, 295 और है। कर लो ना पापा प्लीज। हम नहीं कर सकते गुड्डू। पापा प्लीज पापा, प्लीज पापा, हम नहीं कर सकते गुड्डू। मुझे वहां तक ले चलो। मिस्टर हनुमान सिंह, डिमलो को हराना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। हम अपनी हार मानते हैं, आप जीत गए हैं। बुद्धन कृपया 10 रुपीस। जी 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 जी। यस यस। मिस्टर डिमेलो ये लीजिए। शर्माइए मत, आप जीत गए हैं। मैं नहीं ले पा रहा हूँ, तुम ले लो। काहे? अभी लेता हूँ पापा। यस। पापा, अब इस 10 रुपए से हम पार्टी करेंगे। यस, हम जीत गए, हम जीत गए, हम जीत गए। कम डारा। चलो पापा, चलो। लेट्स गो, बाय बाय। पापा संभाल। हो गया शो खत्म। थैंक गॉड। क्या जीजा जी, आप तो 10 रुपए हार गए। हमारी नाक भी कट गई।
हमारे नहीं है। 10 रुपए में उस डिमेलो की हालत का हलवा बना दिया। आप जानबूझ के आ रहे? और नहीं तो का? का? और आपका हाथ ठीक है? हमारा हाथ फौलाद है। और तुमने देखा वो डिमेलो, उसकी हमने का हालत बना दी है। अच्छा, अब 10 दिन तक वो ऐसे ही रहेगा, न खा पाएगा, न पी पाएगा, न खुजा पाएगा। खुजा डाली। हाँ जी। दूध गरम करके लाओ। अच्छा। और सुद्धन बुद्धन जी 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 फिर से शुरू हो जाओ। बजाएंगे वाले की। बजाएंगे वाले की। बजाएंगे वाले की। 1, 2, 3 लवीना, 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 मुझे कुछ लवीना। नहीं सुनना। अरे रुक तो जाओ यार, मेरी बात तो सुनो। छोड़ो काफी, कुछ नहीं सुनना मुझे। तुम्हारे पापा ने ये सब कुछ जानबूझ के किया। 10 रुपए के लिए मेरे डैडा का क्या हाल बना के रख दिया? वीना, तुम्हारे पापा को किसने कहा कि शर्त मंजूर कर ले? मैंने तुम्हें कितना बोला था कि उन्हें समझाओ, लेकिन तुम नहीं। और तुम्हारी मम्मी, वाह वाह, कम ऑन डॉल्फी, कम ऑन, शो देम डॉल्फी। और उन्हें छोड़िए, तुम धो डालो, धो डालो, धो डालो डाडा, खुद ढुल गए। तुम्हारे पापा ने ना चीटिंग की है, वरना कभी भी वो 300 पुशअप्स नहीं कर पाते। अच्छा, मेरे पापा पहलवान है, पहलवान। 300 पुशअप्स तो वो उठते यूं 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 कर लेते हैं। और मेरे डाडा भी ना सोल्जर है, उन्हें कमजोर मत समझना, कोई उन्हें हरा नहीं सकता। अच्छा, बड़े तात्या टोपे के पोते हैं तुम्हारे डाडा। खबरदार कपिल, नॉट वर्ड अगेंस्ट माय डैड। अच्छा, और तुम भी मेरे पापा के बारे में कुछ मत बोलो, आई वोंट टेक इट। तो अपने पापा को समझा दो ना कि वो अपनी पहलवानी मेरे डैडा के सामने ना दिखाए। क्या हाल करके रख दिया मेरे डैडा का कपिल, तुम्हें पता है वो ठीक से ना चल भी नहीं पा रहे। पता है कैसे चलते? ऐसे चलते। और तुम्हें पता है उनके ना हाथ भी नहीं उठते। पता है कैसे हाथ उठाते वो? लेकिन हाथ ही नहीं उठते उनके। ले 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 ले, देखो इतने छोटे से बसात पर आंसू नहीं बहाते। नो प्लीज प्लीज कपिल, तुम्हारे लिए छोटा सा मजाक होगा, लेकिन जब डाटा को तकलीफ होती है ना, तो मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। लवीना देखो, मेरा ये मतलब नहीं था, पापा को कपिल, कपिल प्लीज। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।